गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस, इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस, ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस, इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस, मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस, ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस, इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस, ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस, इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस, मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और BR स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा
और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज़ की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज़ की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और BR स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AF फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज़ की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा।
और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज ये मूवी थोड़ी स्कैरी है, और थिएटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से,
और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और BR स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा।
और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से,
और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और BR स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा
और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइज काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेडी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइज काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेडी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज ये मूवी थोड़ी स्कैरी है, और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेडी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और BR स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज़ की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा।
और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेडी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेडी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थिएटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और BR स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थिएटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा
और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेडी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइज दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइज वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेडी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा, और सुरेश जैन के द्वारा, और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर, और गौरी खान, और शाहरुख खान, और रेनू रवि चोपड़ा, और करण जौहर, और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और बीआर स्टूडियोज, और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से,
और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और BR स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AF फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो होगी 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अभय चोपड़ा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा।
और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इत्तेफाक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमेटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभय चोपड़ा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अभय चोपड़ा के द्वारा और सुरेश जैन के द्वारा और निखिल मेहरोत्रा के द्वारा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया अभय चोपड़ा के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है इत्तेफाक पर, और गाइस दी गई है यश चोपड़ा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हीरो यश जौहर और गौरी खान और शाहरुख खान और रेनू रवि चोपड़ा और करण जौहर और अपूर्वा मेहता। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। और गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई माइकल लुका के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है नितिन बेद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है ब्रायन वैन ट्रांसो के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर थीम सॉन्ग कंपोजर जो है वो है तनिष्क बागची। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बीआर स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और यशराज फिल्म्स के द्वारा। और ये मूवी रिलीज की गई थी 3 नवंबर सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 30 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 56.26 करोड़ की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग है वो है इत्तेफाक से, और गाइस काफ़ी सही सॉन्ग है ये। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। वन टाइम में अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी थोड़ी स्कैरी है और थ्रेटिकल स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देखकर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।